डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है। हाँ, क्लास 12th में हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमीन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और एमीन के इस चैप्टर में हम लोगों ने एथिल एमीन, एक यौगिक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसका नाम है एथिल एमीन। ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर एथिल एमीन बनता कैसे है, यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसका गुण क्या है। ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने इसका गुण भी देखा है। इसके अभिक्रिया में हम लोगों ने फर्स्ट अभिक्रिया देखा है एसिड क्लोराइड के साथ क्या बनता है। चलिए एथिल एमीन का दूसरा अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। सॉरी, एथिलेमिन का जो दूसरा अभिक्रिया है वो हम लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म होता क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है दोस्तों CHCl3। आपको हम आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं कि क्या होता है क्लोरोफॉर्म। एक्चुअली अगर बात करें तो एथिलेमिन के साथ अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करा कर देखें तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा और वो कैसे रिएक्शन करेगा, इस बात बारे में हम लोग ज़रा सा देख लेते हैं कि अगर एथिलेमिन को क्लोरोफॉर्म के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनता है। राइट। लिखा जाए इसके नीचे, जब एथिलेमिन एथिलेमिन का फार्मूला आपको याद होगा CH3CH2NH2। राइट। CH3CH2NH2, इसको एथिल एमिन बोलते हैं। एथिल एमिन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल आइसोसाइनाइड। इसका फार्मूला क्या होता है भाई? CH3CH2NC। ठीक है। इसी को बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। राइट। क्या है इसका नाम? एथिल आइसोसाइनाइड। इसका होता है फार्मूला CH3CH2NC। करेक्ट। चलिए अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं इस पे कि आखिर एथिल आइसोसाइनाइड का रिएक्शन कब होता है, कब अभिक्रिया करता है। तो एथिल एमीन के साथ अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया देखें तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। जरा इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो एथिल एमीन का फार्मूला क्या होता है? CH3CH2NC। ये हुआ हम लोगों का एथिल एमीन। राइट। अब इस एथिल एमीन के साथ हम लोग किसका अभिक्रिया देखेंगे? क्लोरोफॉर्म का, यानी कि CHCl3। ठीक है। CHCl3। अब ये जब रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है? एथिल आइसोसाइनाइड। अब एथिल आइसोसाइनाइड का फार्मूला CH3CH2NC। ये हुआ हम लोगों को एथिल आइसोसाइनाइड। सॉरी, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए हैं, एथिल एमिन था ना यहाँ पे। तो एथिल एमिन का फार्मूला होता है CH2। ठीक है। CH3CH2NH2। ये हुआ हम लोगों को एथिल एमिन। अब ये एथिल एमिन अगर क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया? ये है एथिल आइसोसाइनाइड। अब लिख सकते हैं इसका नाम। ठीक है। और इसके बाद बाकी बाहर क्या बनेगा? तो HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका 3 एटम्स बनेगा। मतलब ये हम लोग बैलेंस किए हैं, संतुलित किए हैं समीकरणों को। क्लियर। तो हम लोगों को बनेगा 3HCl। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब एथिल एमिन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। क्लियर। चलिए फिर अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म के आगे देखें तो फिर है हम लोगों को नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन। और आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रस और नाइट्रिक में अंतर है। जैसा कि हम लोग मेथिलेमिन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मेथिलेमिन के अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था
कि नाइट्रस का फार्मूला HNO2 होता है, जबकि नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला अगर बात करें उसमें 3 हो जाता है, HNO3 होता है। तो चलिए तीसरा रिएक्शन देख लेते हैं एथिलामिन का, जिसका नाम है नाइट्रस अम्ल के साथ। इट मीन्स कि इसका फार्मूला HNO2 नाइट्रस यहाँ लिखे हैं इसलिए HNO2 फार्मूला होता है। अगर यही नाइट्रिक अम्ल रहता हम HNO3 बोलते हैं, करेक्ट। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर एथिलामिन को नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्ट किया जाए तो आखिर वो बनाता क्या है। क्लियर, लिखा जाए उसके नीचे फर्स्ट एरो, जब एथिलामिन बोले तो CH3CH2NH2, ठीक है, इसको हम लोग एथिलामिन बोलते हैं। जब एथिलामिन को नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो याद रहे, नाइट्रस अम्ल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल, करेक्ट। चलिए अब देखते हैं इसके नीचे रिएक्शन को। जैसे मान लिया एथिल एमिन का फार्मूला CH3CH2NH2, ये हम लोगों का एथिल एमिन हुआ, ठीक है। अब इस एथिल एमिन को रिएक्शन कराएंगे हम लोग किसके साथ, तो एथिल एमिन को नाइट्रस अम्ल बोले तो SNO2, ठीक है, ये हुआ हम लोगों को नाइट्रस अम्ल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को बनेगा एथिल अल्कोहल बोले तो CH3CH2OH, ये हम लोगों का है एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल के साथ बाद बाकी क्या बाहर होगा, तो N2 प्लस H2O, यानी कि नाइट्रोजन का एटम और वाटर अलग होगा। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग एथिल एमिन को नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हम लोगों को बनता है ये क्या नाम है, एथिल अल्कोहल। और अल्कोहल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लोगों का एथिल अल्कोहल है, ठीक है। और इस एथिल अल्कोहल के साथ हम लोगों को नाइट्रोजन N2 बनेगा और H2O बनेगा, क्लियर। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों को रिएक्शन के तौर पे याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं एक नए यौगिक के बारे में, तो टॉपिक बनाएंगे इसको, जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बहुत इम्पोर्टेंट यौगिक है कि आखिर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता क्या है। तो बेंजीन डाइजोनियम जो क्लोराइड होता है, ये जो होता है ना हम लोगों का बेंजीन रिंग के साथ N2Cl जुड़ा हुआ रहता है, N2Cl, ठीक है, ये हम लोगों का बेंजीन रिंग है, क्लियर। अब ये बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन तो हम लोगों का सर फार्मूला यही होता है, इसी को बोलते हैं बेंजीन। और इस बेंजीन के साथ अगर N2Cl जुड़ जाता है तब नाम हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यही है फार्मूला। तो अब हम लोग सीखेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है, इसका निर्माण क्या होता है और इसके क्या गुण हैं, और इसका अभिक्रिया भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग आज पढ़ेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में।
कि आखिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। अभी आपको ये बात याद रखना चाहिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो बेंजीन रिंग से, बेंजीन से N2Cl जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे बात कर लेते हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग निर्माण पे कि आखिर इसका निर्माण होता कैसे है। तो निर्माण में लिखा जाए, जब जब एनिलीन को, एनिलीन और एनिलीन का फार्मूला अगर बात करें तो क्या होता है, तो एनिलीन का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग से, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन रिंग से NH2 और NCl, NH2 NCl ये होता है। ठीक है, यानी कि एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, तो बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ और किसका तो ऊपर जुड़ा हुआ रहता है NH2 NHCl, सॉरी ये हम लोग बोल सकते हैं कि मिश्रण है, हालांकि NH2 ही जुड़ा रहता है एनिलीन में। तो ऐसा करते हैं, छोड़ दीजिए अभी इसका अभी नहीं लिखिए, सिर्फ एनिलीन ही लिखिए। हम बताते हैं क्यों, क्योंकि आगे इसका फार्मूला चेंज नज़र आएगा। अभी सिर्फ इतना लिखिए कि जब एनिलीन को HCl में घुलाकर HCl में घुलाकर HCl में घुलाकर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अभिक्रिया निर्माण का कि आखिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। ठीक है, आखिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है उसका निर्माण होता कैसे है। तो हम लोग क्या लिखे कि एनिलीन को HCl में घुलाकर, देख लो सबसे पहले जानो एनिलीन के बारे में कि आखिर एनिलीन क्या है। तो एनिलीन जो होता है वो बेंजीन रिंग्स के साथ, ये तो बेंजीन हुआ, बेंजीन के साथ अगर NH2 जुड़ता है तब ये एनिलीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एनिलीन। लेकिन दोस्तों हम लोग अगर बात कर ले इस मैटर पे कि अगर एनिलीन को और HCl को घोल दिया जाता है, देख लो एनिलीन का स्पेशल फार्मूला ये हुआ, लेकिन एनिलीन और HCl को घोल दिया जाता है तब ये फार्मूला बन जाता है बेंजीन रिंग के साथ NH2NHCl। ठीक है, ये हो जाता है फार्मूला NH2NHCl। इसमें क्या है, तो इसमें एनिलीन है और HCl दोनों का मिश्रण है। क्लियर। चलो तो अब हम लोग मेन अभिक्रिया पे आते हैं। अगर मान लिया कि ये एनिलीन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, तो एनिलीन के साथ हम लोगों को HCl का मात्रा को घुलाना पड़ेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये है क्या, तो एनिलीन प्लस HCl का मिश्रण है। ठीक है, ये है क्या, तो एनिलीन और HCl के मिश्रण को अगर हम लोग नाइट्रस अम्ल HNO2, क्लियर। तो याद रखिएगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो निर्माण है ना वो एनिलीन के साथ HCl का जो मिश्रण है उसको नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्ट कराकर हम लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। इट मीन्स कि बेंजीन रिंग के साथ N2Cl,
ठीक है, यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और बाद बाकी H2O बाहर निकल जाता है बैलेंस करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो याद रखिए अभी हम लोग कौन से यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसका दो पॉइंट्स और बच गया दोस्त, एक गुण बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का और इसका अभिक्रिया। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का गुण और अभिक्रिया को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, और ये चैप्टर हम लोगों का एंड हो जाएगा। फिर हम लोग अगले चैप्टर में इन करेंगे अगले दिन, यानी कि कल। तो अगले दिन, अगले वीडियोस में, अगले क्लास में, तब तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का भी हम लोग निर्माण सीखे हैं, सिर्फ गुण और अभिक्रिया अभी भी इसका बाकी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर अगले क्लास में इस यौगिक का यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का गुण पढ़ेंगे और फिर अभिक्रिया पढ़ेंगे, तब ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।